तो ये देखिए दोस्तों, बच्चे छोटे से नहीं बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, कुछ कह रहे हैं, कुछ छोटे थे। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इस गांव में हम हैं अभी और बहुत ही प्यारा गांव है। देखिए यहाँ पे काव का बछड़ा जो है सो रहा है इस समय, और ये गाय है, और ऊपर वहाँ कहीं हमने गाड़ी अपनी खड़ी करी है। पपीते का पेड़ है, ये सारे यहाँ पे खेत हैं, और एक मकान ये है। यहाँ भी हम, यहाँ भी ये मेरा मकान है, तो यहाँ भी अभी रुके हैं। और ये मैं यहाँ पे सन बात ले रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता, नया बनाया अभी तो देखो आप। और सन बात का जो नहीं आ रहा है, और ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये नींबू है, ये नींबू के पेड़ है। यहाँ भी गाय है, एक वो है, वो भी गाय के लिए रूम बना हुआ है, लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पे कभी कभी बाघ आ जाता है, तो वो वहाँ से उठा के ले गया था इनकी गाय, तो इन्होंने फिर उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और ये, और बाकी बहुत ही बढ़िया नज़ारा, और मतलब आप जिधर भी इस समय डालोगे तो पहाड़ी पहाड़ी इस समय नहीं डालोगे। बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, मस्त एकदम बढ़िया धूप। और नीचे देखो इस तरीके से यहाँ पे फ्लोरिंग होती है और उसको बनाया जाता है। और उधर केले के पेड़ हैं, पपीते के पेड़ हैं, और ये देखिए पेठा रखा हुआ ऊपर। तो आज का स्टे हम यहीं करने वाले हैं, हमने अपना आगे के प्रोग्राम सब कैंसिल कर दिए, क्योंकि इतना मज़ा आया ना यहाँ पे। और अभी मैं धूप सेक रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है धूप में, मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब इतनी धूप हम लोगों को दिल्ली में तो मिलती नहीं है। और बिल्कुल शांति है, इतना प्लेजेंट है यहाँ पे, मतलब बहुत ही बढ़िया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको वो दिखाता हूँ कि पहाड़ कैसे दिख रहे हैं। देखो देखो, 1 2 3 4 5 6 सब स्टेप्स में अलग अलग पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी कैमरे में इतना तो नहीं पता लगता, हाँ ठीक है, कुछ तो पता लग ही रहा होगा, लेकिन इतना नहीं पता लगता कैमरे में, जो कि यहाँ नेचुरली मैं फील कर पा रहा हूँ, वो जो फील करना है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अभी अभी तो दिन में तो धूप यहाँ से देख रहे हैं, फिर रात को हम यहाँ रुकेंगे देखो इस रूम में, और जो मज़ा आने वाला है, मतलब अमेजिंग मज़ा, सही है, दिल खुश हो गया, बिल्कुल बिल्कुल दिल खुश हो गया। तो आज हमने वैसे में जाना था पांडुपोली, लेकिन पांडुपोली में क्या हुआ कि पांडुपोल जो है वो ट्रैकिंग है, करीबन 8 से 9 किलोमीटर का वो जो ट्रैक है उधर जाने के बाद, और वहाँ पर पड़ती है बर्फ़। तो बर्फ़ पड़ने से क्या होता है कि हम लोग जो हैं वो रास्ते, मतलब वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ट्रैक करना, तो इस समय ठंड के मौसम में मत जाओ वहाँ पे, तो सब लोग मना कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया अभी फ़िलहाल। बाकी अभी देखते हैं कुछ गाँव में क्या है, एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं, देखें कुछ तो, नहीं तो शाम को यहाँ बोन फायर चला के बैठेंगे इस जगह पे, तो उसका भी एक अपना मज़ा है बोन फायर का। और अभी खाने में हमने बनवाई है भट्ट की चटकवानी और साथ में चावल, तो मेरे साथी लोगों ने तो खा लिया, लेकिन मैंने अभी नहीं खाया, तो अभी थोड़ी देर में खाऊंगा, तो फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसका नतीजा है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो दोस्तों, अभी बजे शाम के 4, और यहाँ से अब देखिए नज़ारा, ये शाम का व्यू है ऐसे, और ये सनसेट होने जा रहा है, और प्योर सनसेट जो लोग देखने आते हैं यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो अभी देखते हैं सनसेट, क्योंकि बहुत जल्दी अभी सनसेट हो जाएगा, और कैसे खेतों के ऊपर पूरी किरणें पड़ रही हैं पेड़ों के ऊपर, और
चिड़ियों की चहचहाट आप महसूस कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो ये सब जो है मतलब यहाँ पे एक नेचुरल चीज़ें कहते हैं ना, आप शांति के लिए आए हो तो वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। देखिए अभी गाय भी अपने अंदर चली जाएंगी क्योंकि इससे यहाँ पे रात को रिस्की हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ा मान लीजिए, और अभी हमने खाई थी, मैं अब फोटो नहीं ले पाया एक्चुअली, थोड़ा सा कहीं गया था, तो भटकी चुटकवानी और राइस साथ में, यहाँ का जो लोकल फूड होता है भटकी दाल से बनती है, वो उसका मज़ा ही अपना था, बहुत ही डिफरेंट थी और अलग थी। और अभी है कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, शायद शादियों का सीज़न है, यहाँ पे तो शादी हो रही है। तो चिड़िया भी अपने देखो पूरे चिड़िया ये बीज निकाल लेती है, जो बीज होते हैं ना यहाँ पे, उस बीज को निकाल लेती है। ये देखो क्या हो गया, हेलो, तो इतना मज़ा आ रहा ना यहाँ, मतलब कहीं इधर उधर घूमने से बेटर है कि यहाँ पे अगर आप मतलब टाइम स्पेंड करने में मज़ा आ रहा है। ये एक्चुअली कोई होटल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये किसी का मेरे किसी दोस्त का घर है, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये एक्सपीरियंस एक डिफरेंट है गांव में रहने का। तो दोस्तों देखिए, ये है प्याज का भुट्टू और साथ में रोटी विद देसी घी, ओ माय गॉड, बट मज़ा आ जाएगा। और साथ में खाने वाने इसके जो दही वहीं कुछ जो भी होगा खा लें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो भाई आज एक नया दिन आ गया है, सुबह के अभी बजे हुए 10:30 और हम लोग सुबह 9 बजे के आसपास निकल गए थे, और अभी हम पहुंचने वाले हैं रानीखेत। और कुछ इस प्रकार का है नज़ारा अगर आप देखें तो, ये देखिए पूरा आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ब्यूटीफुल जंगल, घना जंगल है नीचे तक, जिधर नज़र मारोगे आप जंगली जंगल दिखेगा आपको। और मतलब पिकनिक के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बस हमारे पास कोई सामान नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पिकनिक मना लेते। और इतना बढ़िया, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना बढ़िया लग रहा है। आप देखो ऊपर दिखाता हूँ आपको, सेम ये बीच में रोड है और यहाँ से हम लोग आए हैं, और ये पूरा ब्यूटीफुल जंगल। और ये लड़के जा रहे हैं बाइक पे, मटी इंजन बंद करके जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। और इस प्रकार से ये पूरा बना हुआ है, मतलब
यहाँ पे तो ठंड भी नहीं है, धूप आ रही है चारों तरफ से, देखिए ऊपर अगर आप देख रहे हो तो 30 हो रहा है। मैं थोड़ा सा एक सेकंड के लिए शांत होता हूँ और आप सुनना है कि जो आवाज़ आ रही है। तो देखा आपने, और ये देखिए ऊपर से पेड़। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं रानीखेत, और रानीखेत से फिर हम जाएंगे खैरना होते हुए हल्द्वानी, और कुछ पता लगा है कि रास्ते में कहीं जगह पे जाम मिलेगा बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइडिंग। तो आज है संडे, तो इसको आज जो है हमें दिल्ली पहुंचना है, तो उसके लिए अभी गाड़ी में जो हमारा GPS है वो दिखा रहा है 10 घंटे, और कुछ हल्द्वानी में भी एक आध मीटिंग है हमारी, तो वो भी करनी है। तो अभी के लिए चलते हैं आगे, और रास्ते में इस तरह की लोकेशंस जो आती हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और मुझे बताइएगा कि आपको इस बार के जो पुराने वीडियोस हैं, जो इस बार के जो सीरीज़ है वो कैसी लगी, आपको मज़ा आया नहीं आया, तो कमेंट देते रहेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, अदरवाइज़ हम अपने हिसाब से बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। सो दोस्तों जैसे कि अभी हम हल्द्वानी पहुंच गए हैं, तो अभी यहाँ पे मिलते हैं हमारे फ्रेंड, तो अभी क्या कहूँ मैं, लेकिन हाँ मैं, वो भी यूट्यूबर ही हैं और उनका मैं ब्लॉग देखता रहता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगा, और कोशिश करते हैं कि रास्ते में भी उनकी शॉप पड़ेगी, उनसे मिलता हूँ एक बार, और अगर वो वहाँ पर होंगे तो आपको भी मिलवाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, उनका नाम है निर्मल, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं आगे। आपको माइक देखो वहाँ चल रहा है ना, मैं फ्रंट पे बोल रहा हूँ, काफी अच्छा सही चीज है ना। वीडियो बना सोले लो, क्या नाम क्या बोलते हैं, काफी वाइड है ये। हाँ बहुत वाइड है। तो लो जी आज हम मिले हैं निर्मल जी से। हाँ जी, और मज़ा आ गया मिलके, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिलके ना। तो भैया इनके चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर किए मुंशी हरी का लेटेस्ट वीडियो आया हुआ, किसी को देखना होगा। उसके बाद तो नहीं आया ना अपना, उसके बाद आज आया एक लोग, आज डेली व्लॉग शुरू करा मैंने वैसे तो। क्या बात है, तो भैया डेली व्लॉग भी देखने को मिलेगा इनका, तो वो पुराना है वैसे तो। अच्छा। पर चल रहा है, चल रहा है। हाँ अभी चल रहा है व्लॉग, सही है। चलो आज तो थोड़ा जल्दी में है, तो तसल्ली से फिर दोबारा इनसे मिलेंगे, जरूर यही मिलूंगा, ट्रिप मारेंगे। अभी तो थोड़ा सा जाना है, तो चलते हैं। बाय बाय। तो दोस्तों अभी मैं हूँ हल्द्वानी में, और अभी मुलाकात हुई मेरी जैसे कि निर्मल से, निर्मल डसीला व्लॉग्स के नाम से उनका है, मैं मेंशन कर दूंगा, और बहुत ही बढ़िया व्लॉगिंग करते हैं ये भाई। और इनकी खास बात यह है कि ये बंदे बहुत बढ़िया हैं, इनकी नेचर को देख के मैं इनसे मिलने गया। नॉर्मली होता है कि एक बस नेचर की वजह से कि बहुत ही बढ़िया नेचर के बंदे हैं, तो इसलिए मिलने गया, और वाकई जो मैंने वहाँ मिल के मेरे को महसूस हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई। तो अभी निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। हो गया, मैंने उनका शोरूम आपको दिखाया नहीं जहाँ मैं मिला था उनसे,
क्योंकि वो सही नहीं है, सिक्योरिटी की वजह से सही नहीं रहता। तो अगर वो खुद दिखाएंगे कभी तो दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से चलते हैं दिल्ली के लिए, निकलते हैं आगे हाईवे पे, रुद्रपुर जाना है और रुद्रपुर से आगे निकल के आपको मिलते हैं। आप रास्ते में क्या हमारे को नया मिलता है, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं आगे। सो दोस्तों, पहुंच गए हैं मुरादाबाद और अभी पेट्रोल पंप पे पी रहे हैं चाय। तो बस अब निकलेंगे आगे दिल्ली के लिए और अभी बजे हैं करीबन 6:53 शाम के, तो दिल्ली लगभग 10:30-11 तक ही पहुंच पाएंगे। तो बताइएगा आप लोग कैसा रहा ट्रिप। मेरे ख्याल से ब्लॉग को ही एंड करते हैं क्योंकि रात को अंधेरा हो जाएगा और अभी गाड़ी खींचनी है और पहुंचना है दिल्ली, तो इस बीच में कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग तो हो नहीं पाएगी और अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं। आप भी कहोगे क्या रोड दिखा रहा है। तो चलिए अभी का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आप लोग बने रहिए नेक्स्ट ट्रिप के लिए। ये ट्रिप यहीं खत्म करते हैं और तब तक आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है ब्लॉग में। और लाइक करना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड डे।